अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खुराफिर से होंगे। तो आज आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे हमने के लैडर के लोगों को कैसे डिजाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रे कोड अल्ट्रा 2021 वर्जन के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लिख लेना है कि के। अगर आप लोगों को कोई भी लेटर का लोगो रेडी करना है, डिजाइन करना है, तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जाकर जरूर विजिट करें। आपको हर किस्म के लेटर का लोगो वहां पर डिजाइन करने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि हमने के लेटर के लोगो को कैसे डिजाइन करना है। तो सबसे पहले आप साइड पे एक, जब भी कोई लोगो रेडी करना हो तो सबसे पहले आप उसका जो सिंपल एक वर्ड है उसको साइड पे लिख लें, ताकि आपके दिमाग के अंदर आइडिया आ सके कि हम इसके अंदर क्या चीज़ को कट करेंगे, क्या चीज़ को हम ऐड करेंगे, तो ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इसकी हम एक और कॉपी बना लेते हैं, और इसकी को अब हम करते हैं अच्छा सा कोई फॉन्ट साइज। अगर हम ये देखें ये वाला, इसके सर्कल्स साइड से कर्व हैं। उसके अलावा अगर हम ये वाला देखें, ये वाली बोल्ड देखें, तो मेरे ख्याल में ये ठीक था। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है यहाँ से, तो ये ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश किस्म का, तो हम इसी को कर देते हैं। एंड अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसी को थोड़ा सा हम करेंगे मॉडिफिकेशन, जो कि मुझे इसके अंदर चेंजिंग नज़र आ रही है, इसको अब हम डिलीट कर देते हैं। मुझे इसके अंदर चाहिए कि ये थोड़ा सा, मतलब कि ऊपर से अगर हम इस साइड से देखें तो इस साइड से बिल्कुल स्ट्रेट है, इस साइड से इस तरह आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये भी फेड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दे लेता हूँ। इसको पहले करते हैं हम Ctrl+Q। Ctrl+Q अपने कीबोर्ड से मैंने दबाया, और ये जो शेप टूल है इसको मैंने यूज़ करना है। आप इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं इस लाइन को पकड़ के, इस लाइन को पकड़ के। करने का मकसद ये था कि इस लाइन को हम पकड़ें और इसके बिल्कुल ऊपर रख सकें, ताकि हमारी जो लाइन है हम इसके मुताबिक इसको ड्रा कर सकें। इसको सिलेक्ट करें इस पॉइंट को, और इसको पकड़ते हुए खींचते हुए यहाँ पे रख लें। थोड़ा क्लोज करता हूँ मैं, दोबारा से पकड़ें, यहाँ पे रख लें, एंड इसको पकड़ के ये वाले पॉइंट को स्ट्रेट लेके जाते जाएं तकरीबन यहाँ तक, और इसी को अब हम कर लेते हैं बिल्कुल इसके ऊपर तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, ये देखें हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन थी वो क्रिएट हो चुकी है। थोड़ा सा इसको नीचे, मतलब जितना ऊपर आ सकता है, जितना आप उसको खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ज़रूर करें। अच्छा, अब देखेंगे तो हमारी ऊपर वाली भी बराबर है, नीचे वाली भी बराबर है, तो हमारा इतना तो ये काम बहुत अच्छा साफ सुथरा हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो सी मेरी लाइन है ये कट हो जाए यहाँ से। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने एक लोगो बनाना था, लोगो के अंदर तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसको थोड़ा सा इस तरह, एंड इसको पकड़ के मैं क्या करता हूँ, रोटेशन। ठीक है, रोटेट कैसा किया, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर कोल्ड्रा का कोर्स देखना है, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स, तो वो जरूर विजिट करें। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ मैंने आपको सारी समझाई हैं, जो कि आप अगर वो देख लेते हैं तो आप ये लोगो 2 से 4 मिनट के अंदर इजीली रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम करते हैं थोड़ा सा यूं। अब आपने देखना है कि जो फासला यहाँ पे ऊपर भी यही है, तो नहीं तो फिर इसको थोड़ा सा और रोटेट करें यहाँ तक। अब देखते हैं बराबर है, तो अब मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बराबर है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अभी भी बराबर नहीं है, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा वापस यहाँ तक। आप देखें अब तो फुल बराबर। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं इस लाइन को। तो ये देखें यहाँ पे एक लाइन कट होती है, मतलब कि ये वाली जा रही है, ये वाली लाइन है, अलहदा लाइन है ये वाली। ठीक है, और ये के अलहदा के, और ये एक लाइन सिंपल। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड करके बैक कर लिया अन टू एंड। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एक ऊपर ऑप्शन आता है आपके पास यहाँ पे, जिसका नाम होता है ट्रिम। हमने ये ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रिम के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कोई देखने में कोई फर्क नहीं है, मगर इसको सिलेक्ट करें, अलग कर दें, तो ये देखिए इसने ट्रिम कर दिया, मतलब कि काट दिया है। ट्रिम करने का मतलब होता है कि इसको काट देना, तो उसने यहाँ से इतने से हिस्से को काट दिया। अब हम इसको अगर डिलीट भी कर देते हैं तो हमारा जो मकसद था वो तो पूरा बिल्कुल हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ जो लाइन ऊपर आ रही थी कट, यहाँ पे भी इसको थोड़ा करते हैं, इस वाले पॉइंट को पकड़ें और इसको ले जाएं ऊपर ये। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा उसने इसको स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप लोग इसको नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी, मगर मैंने कर लिया, मुझे क्योंकि ये अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको कर लिया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसको यहाँ पे करना है तो वो आपकी मर्जी है, ये देख सकते हैं, मगर वहाँ पे ज़्यादा ठीक लग रहा था क्योंकि साइज इनका फिर आपस में बराबर आता। तो यहाँ पे आप लोगों का ये तो डन है। और उसके अलावा अगर आप लोगों ने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, जैसा कि अगर हम इसको थोड़ा सा आप कर लेते हैं, इधर डबल क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद जितना ये वाला फासला इतना ही मैं यहाँ से फासला ले लेता हूँ तकरीबन
जहां तक भी आपका दिमाग को समझ लग जाए वहां पे इसको जब एस का निशान आए तो डबल क्लिक कर दें यहाँ पे, और इस वाले पॉइंट को कर देते हैं डिलीट। अब हम जब एस का निशान आएगा राइट क्लिक करेंगे, कर लेंगे टू कार्ड्स, और यहाँ से इसको हम थोड़ी सी कार्ड्स दे देंगे जैसा कि ये। तो ये देख सकते हैं हमारा कितना कमाल का, यहाँ से इसने इधर से भी रेडी कर दिया, जैसे कार्ड डाल दिया, इसके अलावा हमने इसको यहाँ से कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे हम अपने गूगल में आ जाते हैं, गूगल में आने के बाद हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे ताज, ताज मैंने सर्च किया, उसके अलावा ताज लोगो, ठीक है, ताज लोगो डिजाइन, मतलब कि हम इसके ऊपर एक ताज का लोगो लगा देंगे, ये वाला, जिस तरह की ये वाला अच्छा है अगर हम देखें, उसके अलावा ये वाला ठीक लग रहा है मुझे, जो सा भी आपको ठीक लगे आपने वो यूज करना, मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसको यूज करूंगा। उसके अलावा ये इसके पिक्सल नहीं से, तो हम इसी को अगर मैं यूज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है आपके, मतलब कि मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं इसको वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, जो मुझे समझ में आ रहा है उसको मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप इजीली इसको सर्च करें, इसके ऊपर बल्कि टाइम लगाए और इसको सर्च करके जो सा अच्छा लगे उसको यूज करें, हाई क्वालिटी। सबसे जब आपने इसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आ जाता है ट्रेस बिट मैप का, ट्रेस बिट मैप में जाने के बाद आउटलाइन ट्रेस और यहाँ से हाई क्वालिटी इमेज, ठीक है, आपको ये चीज अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और इसको कर देना है ओके। होगा क्या यहाँ पे आपके सामने एक, ये ऊपर देखिए तो ये पावर ट्रेस कार्ड है, मतलब कि ट्रेसिंग कार्ड है इस वाले ऑब्जेक्ट की, इसके अंदर ये देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट था, इमेज थी, इसने पर इसकी इमेज की ट्रेसिंग कर ली है और इधर से आप लोग कर दिए ओके। अब अगर हम देखें तो ये दो आ चुके हैं, एक तो ये और दूसरा ये, हम नीचे वाला जो इससे है अनग्रुप इसको करते हैं, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं, जो नीचे वाला इससे इसको आप लोग कर दें डिलीट, डिलीट कर दें, एंड यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा थोड़ा इसका कट हो रहा है, इधर से भी करती है इस वजह से, चलें ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक लाइन आ रही है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अगर मैं गौर से देखूँ या अगर हम इसके बैकग्राउंड पे कोई लाइन लगा, कोई बॉक्स लगा दें ये वाला, इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, तो ये देख सकते हैं हमारे पास ताज आ चुका है। अब सिंपल ये एक ताज, इसको ग्रुप कर लें कंट्रोल प्लस की दबा के, और अब हम लगा देते हैं इसको इसके ऊपर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इतना सा इस वाले हिस्से के ऊपर, ये जो लाइन सीधी आ रही है इसके ऊपर हमने इसको लगा दिया, थोड़ा सा और छोटा कर लें, थोड़ा सा छोटा करने के बाद इसको पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पे F4 दबाता हूँ मैं, तो ये देख सकते हैं हमारा आज का लोगो के लेटर का, मतलब कि के से हमने ऊपर जो ताज लगाया उसका मकसद ये कि ये ताज मतलब कि इसका वो है जो किंग का एक लोगो होता है, हमने वो लगा दिया है, जो कि के ज्यादातर यूज भी उसी के अंदर होता है, तो हमारा ये जो के का लोगो था वो डिजाइन रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें, किसी भी किस्म का आप लोगों को सवाल हो मुझे वो जरूर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो किस तरह की आनी चाहिए मुझे उसकी जरूर सजेशन भी दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के ऊपर अच्छी सारी क्लिप काट के उसको अपलोड करूँ ताकि आप लोगों का भी फायदा हो सके। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।